आज हम अवलोकन में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की चर्चा करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि ये विधि विश्वसनीय मानी जाती है क्योंकि वो खुद घटना को अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और यहाँ साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची में दूसरों द्वारा और कही और लिखी बातों पर विश्वास करना होता है और अपनी आंखों द्वारा देखी घटना में त्रुटि या भ्रम की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखिए अवलोकन में ज्ञानेन्द्रियों की सीमाएं, इसमें क्या है कि नेत्रों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आंखों द्वारा देखी गई बातें भी हमेशा प्रमाणित नहीं होती, इसमें पक्षपात आने की संभावना या एक तरीके से शामिल हो जाता है। हमारी ज्ञानेन्द्रियां पर्याप्त रूप से विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती है। दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक व्यवहार का इसमें अध्ययन किया गया हो, किंतु कई बार जब लोगों को यह पता लग जाता है कि उनके व्यवहार को देखा जा रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है, तो उसमें बनावटीपन या कृत्रिमता आ जाती है और स्वाभाविकता और विश्वसनीयता नहीं रखती। अवलोकन एवं निर्वचन, कई बार हम देखते हैं कि देखते कुछ है और उसका हमारे द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, वो हमारे पूर्व ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है और यहाँ पे अवलोकन में अविश्वसनीयता आ जाती है। किसी फैक्ट्री के दरवाजे पर धुंधला सा कोई वाक्य लिखा हो और लोगों को उसे पढ़ने को कहा जाए तो वो बिना इजाजत अंदर आना मना है ही पढ़ेंगे। इस संदर्भ में यहाँ पे ये कहा है कि ये क्या है कि कई बार क्या है कि कोई वस्तु हमारी ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करती है और कोई न कोई अर्थ प्रकट करती है और उसको अपने पूर्व ज्ञान से अनुभव संबंधित कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, दूर कहीं अगर धुआं उठ रही है, हम ये कहें कि ये क्या है, तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई आग लगी है। अब हम पूछें कि आप तो वहां गए ही नहीं, आपको कैसे पता लगा बैठे बैठे कि आग लगी है, तो वो ये कहेगा कि एक बार क्या है कि पूर्व में धुआं उठ रही थी किसी जगह से और जाके देखा तो वहां पे आग लगी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि अब भी मतलब एक तरीके से आग लगी होगी, इसी कारण एक तरीके से धुआं उठा है। ये हमारे एक तरीके से पूर्व अनुभव पर आधारित है। अगला इसमें कहा गया कि निरीक्षणकर्ता का पक्षपात। इसमें कई बार क्या होता है कि जो अध्ययन करता है वो अध्ययन क्षेत्र में जाकर के घटना को देखता है, तो वो कई बार क्या होता है कि अपने स्वयं के परिवार, समाज, जाति, पड़ोस, गांव के लोगों के अध्ययन में एक तरीके से निष्पक्ष नहीं रहता और कई बार क्या होता है कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर देता है। कई बार उसके विचार, भावनाएं, पसंद नापसंद, मूल्य, मान्यताएं, दृष्टिकोण ये अध्ययन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में तो अध्ययन करने वाला व्यक्ति अलग होता है और अध्ययन की सामग्री, जिस चीज का अध्ययन करता है वो अलग होता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में तो मनुष्य ही मनुष्य का अध्ययन करता है, तो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया में जो मूल्य, मान्यताएं, विश्वास ये होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित कर देते हैं, वह निष्पक्ष नहीं रह पाता। और घटना की अपर्याप्तता, तो वो सही तरीके से घटना का निरीक्षण नहीं करता, अपूर्ण होती है और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता और अवलोकन भी अविश्वसनीय हो सकता है। यदि निष्कर्ष थोड़ी सी घटनाओं को देखकर या किसी विशेष परिस्थिति में घटने वाली घटनाओं या आधी घटनाओं के आधार पर निकाला गया है तो वह दोषपूर्ण होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि हम एक पतीले में चावल बना रहे हैं और हम एक चावल निकाल करके देखते हैं कि वो पका के नहीं पका, पर यहाँ पर आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है कि घटना को हम पूरी तरीके से नहीं देखते और उसके आधार पे या उसका आंशिक पहलू ही देखा, पक्ष देखा और उसके आधार पे निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो वो एक तरीके से एक पक्षी माना जाता है, उसको हम सही नहीं मान सकते। तो ये एक तरीके से क्या है कि दोषपूर्ण हो जाती है।